अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुक जाओ, क्या गलत है इसमें? सही तो कह रही है सुमन, हर घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं ना, उस घर के नियम और संस्कारों का पालन करना चाहिए, समझी? कान्या जी, ये सब क्या है तान्या? तान्या, बोलो ना बेटा, क्या है ये सब? बात पेरेंटिंग की है, परवरिश की। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मेरी बेटी ने मुझ पर ही उंगली उठा दी, एक थप्पड़ का इतना बड़ा बदला। तो और क्या बोलूं आंटी, मेरा कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी सफाई जो मैंने किया है उस पर पर्दा नहीं डाल सकती। आई एम रियली एम्बैरेस्ड, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं जो मैंने किया है उसके लिए, और मेरे पास सिर्फ एक ही जस्टिफिकेशन है, वो है मेरी परवरिश। तान्या जी, ये आप क्या बोल रही हैं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, आप चलिए ना हमारे साथ, हम सबसे बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको इतनी शर्मिंदगी हो। हुआ है, कैसे नहीं हुआ? एक तरफ सुमन है जो संस्कारी, आदर्शवादी, परफेक्ट बंग है, और दूसरी तरफ मैं जिसमें कोई संस्कार नहीं है, किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं है। सही कहा था सुमन ने कि जहाँ रहते हैं वहाँ के नियम, वहाँ के संस्कारों का पालन करना पड़ता है। तान्या जी, आपको अपनी गलती का एहसास है ना, आप चलिए हमारे साथ, हम बात करते हैं। कैसे चलूं? बताओ सबको मैंने क्या किया है, गुनहगार हूं मैं इस घर की। वाइन की बोतल खोली मैंने, वो भी तब जब घर में पूजा हुई। अब ये सब मुझे कौन बताएगा कि जो मैं यूएसए में करती आ रही हूँ वो यहाँ नहीं कर सकती? कौन है इसका जिम्मेदार? वो जिस पर पूजा का पवित्रता और शुद्धता का जिम्मेदारी सौंपा गया था। छुटकी और छुटकी की लाड की छुटकी बहू सुमन, जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसे घर के नियम समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन करता है ये काम, जबकि कल ये सारी बातें हो चुकी थी, है ना छुटकी? और तुम सुमन, तुमने तान्या को सारी बातें समझाई थी, उससे बात की थी? किसी जिम्मेदारी के लिए हामी भरना और उस जिम्मेदारी को निभाना दो अलग अलग बातें होती हैं। तुम्हारे कारण आज घर में अनर्थ हो जाए।
बड़ी माँ, सुमन ने कुछ गलत होने से रोक तो लिया ना, और तान्या को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कुछ गलत करने से बच गई और इस घर के नियम भी बच गए। तारीख जी भैया, इस बोतल को बाहर डस्टबिन में फेंक दो। चलिए, रात काफी हो चुकी है, सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करें। सुमन बेटा। जी बेटा, तान्या हमारे घर में नई आई हुई है, इसे घर वालों के बारे में, घर के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम इसे घर वालों के बारे में, घर के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझाओ, ठीक से, ताकि दोबारा इससे कोई गलती ना हो। जी देखो, चल। सुमन, हारी बाजी को कैसे जीतना वो तान्या को अच्छे से आता है। मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ है। बात पेरेंटिंग की है आंटी। कैसे तुमने मेरी परवरिश पर सवाल उठाकर सारे सवाल खत्म कर दिए। अब बेचारी सुमन चाह भी लेना तो किसी को क्या बताएगी। तू तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। हाँ वो सब तो ठीक है मॉम, पर आपने खेल खेल में कुछ ज्यादा जोर से चाटा नहीं मार दिया था। आई मीन, अपनी बेटी को कोई इतनी जोर से मारता है? सॉरी। बेटा क्या करूं, उस वक्त मुझे कुछ सूझा ही नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तू इतना बड़ा खेल कैसे खेलती। हाँ अब इस खेल को और बड़ा बनाना है। जैसे जैसे खेल बड़ा बनता जाता है वैसे चैलेंजेस भी बड़े होते जाते हैं। द जर्नी बिगिंस, और मुझे पता है ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। उम्र का तजुर्बा मुश्किल रास्तों को आसान बना देता है। जैसी भी हूँ तो तुम्हारी माँ ना, बनाएंगे तुम्हारा रास्ता भी आसान। एक सीख देती हूँ, समझ लो, जब कोई अच्छा इंसान होता है ना वो अच्छा ही होता है। आज तुमने अपने अंदर की बुराई को सबके सामने दिखाया है, इसके बाद तुम अच्छी और संस्कारी बनकर दिखाओगी ना तो तुम्हारा ओहदा सुमन से भी ऊँचा हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बुरा इंसान अच्छा बनता है ना तो उससे ऊंचा कोई नहीं होता। What a philosophy, Mom. You are right. एक वाइन की बोतल ने तो मेरी लाइफ ही बदल के रख दी। But bad parenting, Mom. सुरभि जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त तो उसके इर्द गिर्द जो माहौल है, जो समाज है, जो उसके दोस्त है, वो सब जिम्मेदार होते हैं उसके लिए जो वो बच्चा आज है। और उस लड़के ने हम सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार किया है, और ऐसा करने के लिए बहुत साहस की जरूरत पड़ती है जो कि उस लड़की में है। और ऐसा साहस उसी व्यक्ति में हो सकता है जो ईमानदार भी हो। पापा, हम लोग दिल से सोचने वाले लोग हैं, इसलिए तुरंत ही किसी भी कंक्लूजन पे आ जाते हैं। लेकिन जो लोग दिमाग से सोचते हैं वो पलक झपकते ही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब बेटा तुम्हें शक है, तुम्हें ये शक है कि तान्या जो कुछ भी कर रही है वो झूठ है, वो अच्छाई की चादर ओढ़े सब कुछ कर रही है, बराबर। लेकिन बेटा हमें ऐसा नहीं लगता। पापा, हिम्मत तो दिखाई है उसने, पर आप देखिए ना,
जहां पूजा के दिन तान्या का शराब पीना उसे गलत बनाता है, नेगेटिव स्कोर देता है, वहीं सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करने भर से वो सही और साहसी बन जाती है, उसे पॉजिटिव स्कोर मिलता है, उसने हमें इंप्रेस भी कर लिया और संपत्ति भी ले ली। माँ, पापा, सुमन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा तान्या के बारे में सही बोल रहे हैं? तान्या जी को जज करने के लिए हम बहुत छोटे हैं माँ, लेकिन पापा उनके बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? पहले मुझे रेडी होने दे। अरे नंदनी, हमें रेडी होना है। सुमन यार, प्लीज हट जा, बाद में हो जाना तो रेडी। नंदनी, हमें ना देरी हो रही है, हमें बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़ने, वरना सुबह सुबह बड़ी माँ की डांट पड़ जाएगी हमें। अरे यार, लेकिन मुझे भी रेडी होना है, मुझे कोई जरूरी काम नहीं हो सकता क्या? बस एक बिंदी नंदनी, बस एक बिंदी। चल ठीक है, तू ही रेडी हो जा पहले। मेरा क्या, मेरी तो शादी हो चुकी, विदा हो चुकी, अब मैं हूं ही कौन? सही बात है, तुम हो ही कौन? अरे तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो पागल, लेकिन इस वक्त हमारी बेस्ट फ्रेंड ना ननद वाले नखरे दिखा रही है, पता नहीं क्यों। सुनो, हम रेडी हो चुके, अब तुम रेडी हो जाओ। और हाँ, अच्छे से रेडी हो ना, सब कुछ अच्छे से करना, टाइम लेके। ये भी लगाओ दोनों साथ में। अरे वाह, आज सोता इतने जल्दी कैसे जाग गए? जागता वो है जो सोता है। मैं तो रात भर सोया ही नहीं, रात भर इंतजार कर रहा था कि तुम अब आओगी, अब आओगी, अब आओगी, लेकिन सुबह आ गई, तुम नहीं आई। भूल गई सारी प्रॉमिसेस? प्रॉमिसेस? हमें तो कोई प्रॉमिस याद ही नहीं है नंदन, हमने तुमसे कोई प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस कैसे भूल सकती हो तुम? हाँ, टाइम टेबल भूल गई, किस, गुड नाइट किस, टाइम टेबल। और ये गुड नाइट किस क्या होता है? गुड नाइट किस क्या होता है? क्या होता है? ओके, वो क्या होता है? वो यहाँ सर से शुरू होता है। फिर काल पर आता है। और फिर? और फिर होठों पे जाग। वन हैंड डिस्टेंस, कुलदेवी की पूजा भूल गए तो तुम्हें अपना प्रॉमिस को याद ही नहीं रहता है नंदन। पहले कुलदेवी की पूजा, फिर कोई काम दूजा। अब हमारा रास्ता छोड़िए मिस्टर नंदन, हमें गार्डन से फूल तोड़ने। पहले मेरा दिल गार्डन गार्डन करो और फिर गार्डन में जाओ। नहीं, हमें गार्डन में जाना है, पूजा के लिए देरी हो रही है, हमारा हाथ छोड़। माँ, बाय सर जी। फिर से बच गई है। अंशुमन जी, सारे फूल कहाँ गए? हम फूल तोड़ने आए थे, लेकिन यहाँ से तो सारे फूल ही गायब है। हाँ, फूल तो नहीं है, मुझे लगा कि तुमने तोड़े होंगे। नहीं अंशुमन जी, हम तो अभी आए हैं। मैं तो यहाँ दादाजी के लिए पत्तियां लेने आया था, उनको सुबह गर्म पानी में उबाल के पीने की आदत है।
लेकिन अगर तुमने फूल नहीं तोड़े तो किसने तोड़े? अंशुमन जी, हमें तो लगता ना ये किसी बाहर वाले का काम है। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। हमारे बगीचे से कोई चोरी छुपे सारे फूल तोड़ ले गया। हाँ, ऐसा कभी हुआ तो नहीं, और बाहर चौकीदार भी है। फिर भी अंशुमन जी, हमें ना बड़ी माँ से बहुत डांट सुननी पड़ेगी। उनकी आज खास पूजा और फूल ही गायब है। तुम परेशान मत हो सुमन, मैं बाजार से जाके फूल ले आता। तुम अंदर जाओ। थैंक यू, जरा जल्दी आइएगा। अब यहाँ ना तो माँ है ना ही बड़ी माँ, सिर्फ तुम मैं। अच्छा तो ये तुम्हारी शरारत है ना। लाओ फूलों का बास्केट दो, बड़ी माँ पर गुस्सा करेगी। नंदन हमेशा तुम्हारी वजह से ना। फूल बास्केट, क्या बोल रही हूँ। नंदन हर वक्त मजाक मस्ती ठीक नहीं होती, कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। मैं तो सुमन, मैं मजाक क्यों? पत्थर की मूरत बनी काहे खड़ी हो? बोलो कुछ। बड़ी माँ, आप सुमन से ये पूछना चाहती हैं कि सुमन खाली हाथ क्यों आई है, फूल क्यों नहीं लेकर आई है ना? तुम तो बहुत अकलमंद हो गए हो छक्के बउआ। एकदम सही पहचाने, एकदम सही समझे। हाँ तो फूल कहाँ है? बगीचे से सारे फूल ना पता नहीं कैसे गायब हो गए। का? ये कौन सा बहाना है? अब फूलों को पर लग गए कि उड़ के अपने आप चले गए? एक घर का काम सही से नहीं होता है तुमसे, बस बातें करा लो तुमसे। जिम्मेदारी के नाम पे टाइटा फूस। हाँ बड़ी माँ, फूल नहीं थे बगीचे। बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, फूल आ जाएंगे। पर है ना फूलों के, अपने आप उड़ के वापिस आ जाएंगे। क्या बात है? नहीं बड़ी माँ, वो अंशुमन जी बाजार गए फूल लाने। अरे बाजार से क्यों, हमारे बगीचे के फूल क्या हुए? माँ पता नहीं कैसे बगीचे से ना सारे फूल किसी ने चोरी से तोड़ लिए। अरे हमारे बगीचे से कौन फूल तोड़ के ले गए? नहीं देवर जी, सवाल ये नहीं है कि हमारे बगीचे से फूल कौन तोड़ ले गया, सवाल ये है कि सुमन सूरज उगने से पहले क्यों नहीं गई बगीचे में फूल तोड़ने? अगर वो गई होती तो अभी फूल हमारे इस घर में ही होते ना, हमारे सामने। आज खास पूजा है हमारा। कब होगा पूजा? मुहूर्त निकल जाने के बाद? कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा बड़ी माँ। पूजा के फूल बड़ी माँ, भी ये मत कहिएगा कि बगीचे से किसी ने फूल चुरा लिए तो उसकी जिम्मेदारी भी सुमन की है। भला सुमन को कैसे पता होगा कि चोर कौन है? हंगामा तो हुआ हो रहा है, यहाँ कौन है? ये बात तो चौकीदार से पूछनी चाहिए। आखिर हमसे बिना पूछे हमारे बगीचे से फूल कौन ले गया? केतारी, जाओ जाके चौकीदार को बुला के लाओ। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए समधन जी रुकिए। अरे बाप रे, यहाँ तो लगता है भूत खेल ही हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे मतलब भूत खेला? आप बगीचे की बात कर रही है? वहाँ तो पूजा घर में भी कोई घुस आया है। अगर सुमन आए तो वो कौन है? क्या कह रही हैं आप? अरे बड़की समधन जी, किसी ने पूजा घर में पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, फूलों के थाल सजा के रखी है, और एक औरत नहीं, परछाई साड़ी में सजी धजी, कौन काम और किसने पूजा की थाली सजा दी? पूजा घर में हम अभी देख के आए हैं। मैंने
भाई कहाँ है? कल रात को तो तुम्हारी बिटिया तुम्हें ही उंगली दिखा रही थी कि तुम्हारी परवरिश सही नहीं थी। रात भर में ऐसी कौन सी घुटनी पिला दी कि बिटिया सुबह होते ही संस्कारों की गुड़िया बन गई है? तो ये घर नहीं मंदिर है, मंदिर, और इसे मंदिर बनाया है आपने। अरे मेरे अमेरिका से लेकर यहाँ तक जो मैं नहीं कर पाई ना वो एक दिन में हो गया। ये तो लग ही नहीं रहा कि ये मेरी बेटी तानिया है। नहीं निर्मला जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हर इंसान में अच्छे गुण छुपे होते हैं, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है। कल रात इसके पछतावे के आंसू में ही इसके बदलाव के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। अब पूजा भी करनी है, चलें? सुमन चलो मंदिर में, तुम पूजा शुरू कर लो। तुम इस घर की बहू हो। मैं तो पूजा शुरू नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं ना। वाह मेरी शोना, बिल्कुल सही जा रही है तू। तुमने लिबास नहीं बदला, कईयों के दिल बदल कर अपनी तरफ कर लिए हैं। राय बहादुर खानदान की आदर्श बहू बनने का ये सबसे सटीक रास्ता है। तान्या परिवार का दिल जीतने के लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रही है? उसका एजेंडा क्या है? उसका व्यवहार कुछ अजीब सा है, जैसे कोई माइंड गेम खेल रही हो।